नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपके लिए है कि न्यू बॉर्न बेबी को कैसे नहलाएं। ये मैंने एक पहले मैं आपको बता दूं, ये बाथ टब लिया है फर्स्ट क्राई से, जो कि जब से इसको दूसरा महीना लगा है ना, तब से हम इसे इसमें नहला रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें नहला के बेबी को काफ़ी कंफर्टेबल होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो नई मॉम्स होती हैं उनको नहलाने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसमें टू पार्ट्स हैं, एक टब है और एक स्टैंड है। इसको आप 5 ईयर्स तक भी यूज़ कर सकते हो बच्चे के। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है कि न्यूबॉर्न बेबी को कैसे नहलाएं। सबसे पहले इसमें 2 काउंटर भी हैं, एक है साबुन रखने के लिए, शैम्पू रखने के लिए, इसमें काउंटर भी बने हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो है कि बेबी को कैसे नहलाएं, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आप बहुत इजीली इसमें नहला सकते हैं, आपका बेबी बाद में बहुत इंजॉय करेगा इसमें नहाते हुए। पहले ऐसे पूरे डमी एरिया को, पूरे लैग को ऐसे अच्छे से साबुन लगा लें और फिर अच्छे से रब करें। अब इसके बालों में मैं हिमालय का शैम्पू रिकमेंड करती हूँ, तो इसके सर पे हम हिमालय का शैम्पू यूज़ करते हैं। ये अच्छे से ऑयल निकाल लेता है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे बेबी के लिए, तो इसलिए मैं हिमालय का शैम्पू प्रेफर करती हूँ। अभी बच्चा काफ़ी छोटा है तो थोड़ा नहाने में रोता भी है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो बहुत इंजॉय करता है नहाने को। इस तरह से हाथों को पीछे की ओर लेके जाएं ताकि बच्चे के नाक में आँख में साबुन का पानी ना जाए। तो हम इसके बैक पे साबुन लगाएंगे। बैक पे मसाज करते समय, नहलाते समय बच्चा बिल्कुल रोता नहीं है, ये बच्चे की बहुत बड़ी खासियत होती है। इस तरह से आप इसको इसमें नहला सकते हैं। इस तरह से आपका बेबी इसमें अच्छे से नहा लेगा। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो ये और भी इजी हो जाएगा आपको इसमें नहलाना। बच्चा थोड़ा सा होल्ड करने वाला हो जाए, अपने हाथों से पकड़ने वाला हो जाए। इस तरह से आप अपने बच्चे को इस बार टब में नहला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।